और अब तो एज ऐसी हो रही है, बीमारी ऐसी हो रही है कि उनको खुद ही डर लग। मच्छर ने काटा खारे सारे इसके। मम्मी हमारी मम्मी को ये फोटो ले रही, बस मम्मी ऐसे बैठ जाएंगी बिल्कुल है। ये रहा भाई, ये डैडी का स्कूल है। कल ईद है तो ये चांद रात वाला चांद है। रीनू और रीनू की फ्रेंड खुशी माही। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अनदर व्लॉग ऑफ ससुराल। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो कब तक जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टाइमली वीडियोस पोस्ट करूँ, बट कई बार बिजी हो जाता है, कोई आ जाता है तो उस टाइम पर आप नहीं कर सकते काम। But still, I'm trying my best to put videos on time. और fast है मेरा as usual, हमेशा ही रखती हूँ मैं नवरात्रि के fast, तो यहाँ पे भी मेरा fast ही चल रहा है। और अभी जो है वो lunch time होने में almost 1.5 घंटा है। और आज मुझे lunch में बहुत ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है। Actually रात बनाए थे छोले भटूरे, शौर्य को बहुत पसंद है छोले भटूरे, तो वही डेली कुछ ना कुछ बच्चों को मैं बना के नया नया खिलाती रहती हूँ, जो भी उनको पसंद है। तो मैंने छोले भी एक्स्ट्रा बनाए थे और जो भटूरे का आटा था ना वो भी एक्स्ट्रा ही बनाया था। बनाया क्या था, आटा तो मैं मम्मी से ही लगवाती हूँ क्योंकि मेरी रिस्ट में प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे तो स्टैंड मिक्सर है, यहाँ पे तो है नहीं, तो मम्मी ही बनाती है। तो ये एक काम है जो मम्मी को तीनों टाइम करना होता है, सुबह दोपहर शाम, कि वो आटा बनाती है, मैं छान के परात में करके उनको दे देती हूँ। खाट पे बैठ के ही, मंजी जो होती है उसमें बैठ के वो आराम से अपना बना लेती हैं। तो यस, मैंने आटा जो है वो एक्स्ट्रा ही बनवा लिया था। तो आज दोपहर को जो है उसी आटे की मैं नान बनाने वाली हूँ, वही छोले होंगे और साथ में बस मैं राइस, रायता ये हो जाएगा, सैलड वगैरह कट कर दूंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं करनी है। और अब ये जो 1.5 घंटा है मैं यूटिलाइज करूँगी अपनी वीडियोज़ को एडिट करने में। क्लिप्स हैं जो कुछ कुछ रैंडमली रिकॉर्ड हो जाती है, तो उनको गैदर करके जो है वो एक मैं व्लॉग आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। तब जैसे रात मैंने छोले भटूरे बनाए थे तो कुछ व्लॉग नहीं कर रही थी मैं पूरा दिन, बट विकास उठा लाए थे कैमरा, उन्होंने एक आधी पिट जो है वो कुछ रिकॉर्ड करी है, तो वो आप इसके बाद देख लेना कि कैसे छोले भटूरे बने थे। और कल जो है वो पावर कट भी हो गया था, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर मेरे लिए तो क्या ही गर्मी, मैं तो किचन में ही रहती हूँ। बट इस बार जो है वो थोड़ी सी सहूलत है मुझे काम में, क्योंकि वही मेरे सामने जो हाउस हेल्प है वो हमेशा ही चली जाती थी और बाहर मम्मी और विकास जो है वो बात कर रहे हैं, तो शायद उनका शोर आए बाहर से, तो वो चली जाती थी जब मैं वापस यूके जाते थे, फिर वापस से आ जाती थी। तो मेरे सामने हुआ नहीं आज तक ऐसा कि हाउस हेल्प घर पे है, बट इस बार है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। बट ऐसा नहीं कि मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे, मैं कुछ और घर का काम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मम्मी अकेली रहती हैं, इतना कुछ कर नहीं पाती। कल मैंने मम्मी की पूरी जो वार्डरोब है वो अच्छे से समेटी है, सब कुछ अच्छे से लगाया उसमें। जो उधर वाला बेड है जो मेरी जेठानी का कमरा हुआ करता था, उनका बेड जो है उसके एक बॉक्स में कुछ बर्तन रखे हुए हैं, तो वो सारे बर्तन सही से लगाए, क्लीन वगैरह करे। तो वो ये इस तरह के एक्स्ट्रा काम करके मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर रही हूँ। और यस, जो मेरी जेठानी, जो मेरी रियल जेठानी थी, मैं तो यही कहूँगी, जो आर्य शौर्य शगुन की रियल मॉम है, उनकी फ़ोटो भी नहीं बनी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले भी उनकी फ़ोटो बनी हुई थी बट उसमें दीदी रियल नहीं लगती थी, कुछ अजीब सा ही वो फ़ोटो आया हुआ था। ये वाला बहुत अच्छा है, जो मेरी बुआ सास है ना उनके बेटे की शादी का वो फ़ोटो है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो फ़ोटो आया हुआ है उनका, तो मैं दिखाऊँगी आप सभी को।
और यस बस यही है अभी तो, आप वो क्लिप देख लीजिए रात के छोले भटूरे। अच्छा एक दो क्वेश्चन थे क्योंकि मैं कमेंट्स के प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, काम रहता है और फिर मम्मी के साथ भी बैठना ही होता है, तो इसीलिए ये नहीं कि मैं बैठी हूँ और फिर मैं मोबाइल हाथ में लूँ और मैं रिप्लाई करूँ या लैपटॉप लेके बैठ जाऊँ, अच्छा नहीं लगता। तो जी एक तो ये था कि टिकट्स की कॉस्ट कितनी पड़ी, तो 4200 pounds और इंडियन रुपीज़ में हिसाब लगाएं तो 4,20,000 के हमारे चारों के टिकट आए हैं, क्योंकि अब ईवी भी 2 साल से ऊपर है तो उसका भी फुल टिकट लगता है, तो इतने के हमारे टिकट पड़े हैं। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन, वो आपने देखा ही होगा फ्लाइट व्लॉग में, हम उससे आए हैं। और कौन सा सवाल था, किसने भी कहा था आप कैसे अफोर्ड कर लेते हो, तो भाई देखो बहुत सारे खर्चे जो हैं वो कट करने पड़ते हैं अपनों से मिलने के लिए। और यस मैंने पहले बताया कि इस बार का हमारा एज सच प्लान नहीं था क्योंकि अदवी के भी बोर्ड एग्जाम्स, बट इस बार इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हमें आना ही था, इवन दो विकास भी इससे पहले होके गए हैं कुछ दिन पहले यहाँ पे जब पापा का हुआ था, तो वही है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपनों के पास आना ही पड़ता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, आपने मेरा फ्लाइट ब्लॉग देखा होगा, उसमें जो मेरी बैंग्स थी ना वो बिल्कुल यहाँ तक आ रही थी और अभी ये यहाँ तक है, तो विद इन अ वीक इतनी ग्रोथ हुई है। तो जो मैंने हेयर ऑयल और हेयर पैक आपके साथ शेयर किया था ना, इट इज़ दैट, तो ये तो विजिबल आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आज ऐसे ही देख रही थी, अरे ये इतनी बढ़ भी गई, अभी तो ये इतनी ही थी और ये एक हफ्ते में ये 1 inch का फ़र्क आया, तो वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करना, तो मैं सोचा चलो। और भयंकर वाली गर्मी हो रही है भाई, पूछना शायद मैं हर ब्लॉग में ही बोलती हूँगी, अभी मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ और मेरा ऐसा हो रहा है कि बस गर्मी, बाकी और किसी को नहीं लगती, मुझे ही पता नहीं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगती है। और यस मम्मी से तो मैंने आपको मिलवा दिया था, माँ से अभी नहीं मिलवा पाई हूँ। माँ जो मेरी दादी सास है, हम सब उन्हें माँ ही बोलते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे ऑल नो, उन्होंने मेरे पहले ब्लॉग्स में भी देखा है, वो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं उनके पास जाके बैठती हूँ उनसे बात करती हूँ कि उस चीज़ को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। और माँ का ऐसा है कि जब उनको दिखता है ना कि मोबाइल है वो कुछ रिकॉर्ड करें, तो माँ को लगता है कि फ़ोटो ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती हैं, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि नेचुरली उनसे कैसे बात करूँ। तो मैं जब जाऊँगी उनके पास तो उन्हें पहले बता के कि माँ कुछ रिकॉर्ड कर लूँ क्या कुछ बात, तो मैं इस तरह से करूँगी, बाकी जाती तो हूँ उनसे बात तो होती है। दुखी तो बहुत हैं वो बेचारी, फिर बुआ जी भी बीमार हैं, उनका दर्द सबसे ज़्यादा अलग है, सबसे ज़्यादा उनको, उन्होंने तो बहुत कुछ खोया है, बहुत ज़्यादा कुछ खोया है। तो जी यस चलिए अभी दोपहर का कुछ बनाते हैं, अगर किसी ने रिकॉर्ड कर ली थाली की क्लिप तो आपको नान छोले राइस वाली थाली भी मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ छोले भटूरे वाली देख के आप काम चलाइए। बाकी वाली जो रेसिपीज़ हैं वो सब मैंने चैनल पे शेयर की हुई हैं, मैं कोशिश करूँगी कि सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आज का ये जो ब्लॉग है बस मुझे यही लगा कि कुछ एक जो सवाल थे, अभी सवाल और भी थे बट जब मैं बैठती हूँ तो फिर मुझे ध्यान नहीं आती, ये टिकट वाला ये तो मुझे ध्यान रहा। मम्मी का हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मम्मी को क्या हुआ है, जो मेरी मम्मी है मायके में उनको क्या हुआ है, तो एक तो मम्मी की शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, फिर मम्मा को लिवर की भी प्रॉब्लम है, तो दिन में मुश्किल से एक रोटी वो खा पाती होंगी, वो भी टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि पहले ब्लॉग्स में भी आपने देखा और अब उस दिन जब ब्लॉग में देखा तो सभी का ये कंसर्न था, इंस्टाग्राम पर इतने मैसेज आए कि आंटी बहुत वीक लग रही हैं, तो वीक तो हो रही है, कुछ 42 किलो वज़न बचा है मम्मा में, तो वो बहुत बीमार रह रही हैं। किसी ने ये भी कहा कि दीपिका उनके पास कुछ महीने रुक जाओ या अपने साथ उनको ले जाओ, तो आई विश कि मैं रुक पाऊँ। अब क्या करूँ, बच्चों की भी पढ़ाई है, जॉब भी है, सारी ही चीज़ें हैं, और रही बात UK ले जाने की, तो मैं तो कब से चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे सारे ही पेरेंट्स वहाँ पर चलते, यहाँ से भी जाता कोई वहाँ से भी जाता, बट सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी मजबूरियों में फंसे हुए हैं, क्या ही करें। और अब तो एज ऐसी हो रही है, बीमारी ऐसी हो रही है कि उनको खुद ही डर लगता है कि हम फ्लाइट में कैसे जाएं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर करी थी, डोंट वॉन्ट टू डिस्कस अगैन कि क्यों यहाँ से कोई नहीं जा पाता है मेरे मायके से या ससुराल से। आगे बच्चों के लिए होप है कि बच्चे हैं ये बड़े होंगे, अब उधर अर्जुन शक्ति हैं, मेरी दीदी के बेटे हैं, यहाँ पे ये आर्य शौर्य शगुन है, मेरी नंद के बच्चे हैं, तो इन्हीं से होप है कि ये लोग तो शायद आएँ, बड़े तो अपनी 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 जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं।
तो यस मम्मी काफ़ी बीमार चल रही हैं, तो वो दोनों ही रास्ते नहीं है, क्या ही करूँ मैं। वीडियो कॉल पे बात करती थी तो मुझे भी मम्मी इतनी वीक नहीं लगती थी, बट उस दिन देख के तो मुझे भी धक्का सा ही लग गया कि क्या ही हो गया। ये तो है चलो वो बीमार हो रही है, सब कुछ पता है, पर इस तरह की हालत, ऐसे हाथ कांपते हैं मेरी मम्मा के, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर, सबके ऊपर, सबके पेरेंट्स का साया हमेशा हमेशा बना रहे, क्योंकि ये वो कमी है जो कोई कभी नहीं चाहता अपनी लाइफ में। तो देखो अभी मन इस बार मैं आती हूँ कि हाँ इतने दिन ससुराल रहना, इतने दिन मैके रहना, यहाँ पे भी मम्मी परेशान है, बट पता नहीं क्यों अब पिछले एक दो दिन से मुझे लग रहा है कि बस अब मैं मम्मी के पास चले जाऊँ, उनके पास रुक जाऊँ, रह लूँ थोड़े दिन, यहाँ पे अब सब सेटल है वहाँ चले जाऊँ। पर वही है कि टाइम से ही जाया जाता है ससुराल से, ऐसे नहीं कोई भेजेगा। तो देखो होगा, जल्दी होगा जाना, तो मम्मी पापा से मिलवाऊंगी फिर आपको। बाकी वही है कि कुल मिला के ठीक है, दवाई खा रहे हैं सब और चल रहा है, सब चल रहा है, मैनेजेबल है, बस इतना ही है। चलो इससे पहले कि मैं यहाँ रोना धोना मचाऊँ, आप छोले भटूरे देखो। और आज दीपिका बना दिया भाई स्पेशल छोले भटूरे। और दीपिका आज क्या हो गया? आज पावर फेलियर ही मान लो। 3 बजे वैसे तो दोपहर में लाइट जाती है और 6 बजे वापस आ जाती है, बट आज मेरे ख्याल से 7 बज गए और कहीं भी ऐसा पता नहीं है। हाँ, और इन्वर्टर भी डाउन हो गया है। छोले के लिए टमाटर भी नहीं पिस पाए थे, मैं जैसे ही चलाने लगी मिक्सर तो ओवरलोड शो करने लगा, तो बस अब एक एक दो दो लाइट ही जल रही है। और मस्त छोले बनाए, छोले भटूरे बनाए हुए, देखो फुले फुले गर्मा गर्म, पर पावर नहीं है और गर्मी इतनी है, गर्मी में रहती है। और एक ये, और एक ये वो देखो मुंह पूरा गंदा करके, ये चॉकलेट खा गई अभी। चॉकलेट हाँ 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 धो रहा हूँ अभी। अद्वी और आर्य को दे दिया, मम्मी को बस लगाने लग रही हूँ। और शौर्य को बहुत पसंद है छोले भटूरे, तो उसी की डिमांड पे जो है कि हाँ। तो मैं जब भी आती हूँ, हालत खराब हो रही है आज तो यहाँ पे, मुझे तो आदत सी हो गई। मैं जब भी आती हूँ तो आई ट्राई के जितना हो सके उनके मनपसंद चीजें बना बना के मैं खिलाई दूँ। हमारे इधर भटूरे तैयार है भाई, ये बन रहा है, और जल्दी जल्दी बना बस, फिर बाहर को शांति तो है। हाँ बाहर खुला है ना, हवा भी चल रही है बाहर, तो मैं भटूरे देने के बहाने बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ, तो सांस आ जाता है। चलो भाई भटूरे बनाते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं बस। हाँ इवो, क्या हुआ? इनू से बैट लेना, बैट दे दे उसे, बैट चाहिए उसे। Thank you.
बच्चे नीचे बैट बॉल खेल रहे हैं और आज आपको ना अपने खेती बाड़ी वाले सामान दिखाते हैं। इधर तो हमारा ट्रैक्टर है, जो भी छुपा हुआ है वो सामने से दिखाऊंगी, मैं इधर की तरफ खड़ी हुई हूँ। और ये हो गई ट्रॉली, जो ये सामने आपको दिख रही है, ये है क्या, चारा काटने वाली मशीन। ये मैनुअल भी वर्क करती है और ट्रैक्टर के थ्रू भी आप इसको इलेक्ट्रिक भी है। अच्छा, पहले ट्रैक्टर के थ्रू लगाते थे ना, हाँ ओके, अच्छा वो इलेक्ट्रिक भी है। और ये ईवी को देखो, ईवी से बड़ा बैठ है ये। हाँ बस अब ऊपर आने का वक्त है। अच्छा जी, ये जो ऑरेंज वाला है क्या है, ये टीलर। ओके, इससे क्या होता है? इससे खेत बाया जाता है। ये खेत नॉर्मल जैसे पहले हल होता था ना, बैल के साथ करते थे सिंगल, इसमें आठ हैं ऐसे ऐसे। ओके, तो इसको बोलते हैं टीलर। वो एक बोने वाला है जो पीछे खड़ा है। कौन सा? रुक जाओ, मुझे बार बार ना फोकस करना पड़ रहा है। दीवार में जो खड़ा है, दीवार जिसमें तीन है, हाँ, ये है गन्ना बोने के लिए। गन्ना बोने के लिए। और उससे आगे जो खड़ा है, हाँ, वो है जब गन्ना बो देते हैं, हाँ, तो इसकी जगह होती है ना दो, हाँ, दो लाइन के बीच की, ओके, तो उसकी जुताई करने के लिए। ओके, और जो वो रेड वाली खड़ी है जायंट, उसको बोलते हैं रोटावेटर। रोटावेटर वो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको बारीक करती है, वो कुरेदना है। कुरेदना क्या मतलब? महीन उसको करना, महीन करने। और ये सारी की सारी अटैचमेंट्स जो हैं वो ट्रैक्टर के पीछे लगती हैं। ट्रैक्टर के पीछे होता है जहाँ पे ये ट्रॉली लगी हुई है ना अटैच, बिल्कुल ही यहाँ पे सब अटैच हो जाती है। ये सब उसकी एक्सेसरीज है। हाँ, भैया जा रहे तो यही ज्यादा से ज्यादा काम आती है। हाँ, ये टीलर सबसे कम होती है, वो रोटावेटर। तो वे सीजनल है। रोटरी वही है क्या? हाँ, रोटरी वही है, शॉर्ट फॉर्म है रोटरी। अच्छा, नहीं कुछ मैंने भी सुने हुए ना नाम, उस ऐसे नाम का रोटावेटर, रोटावेटर तो शॉर्ट फॉर्म में रोटरी है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे रोटेट गोल 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 रोटेट करती है। नो, हाँ बैठना नहीं होता उसे, बैठना नहीं बिल्कुल भी। हाय हाय, नो इधर कपड़े भी सारे सड़ा के लिए आई नीचे से, इसके तो चेंज करने पड़ेंगे। पानी में बैठी थी भाई, ये बैठने की नहीं। नो, अच्छा ऊपर ही क्यों आई थी फिर तू? कहाँ जाना? खारी इसके मच्छर ने काटा। वो तो बेचारे डर के चल रहे के, तो नीचे भगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है ईवी, क्या है यहाँ? व्हाट इज हियर? हाँ वो नीचे डॉग नीचे गया, बताओ बर्ड। बर्ड भी दिखाई दी, कितनी अच्छी आवाज हो रही ना चिड़ियों की। ये कहाँ की पालन कर रही है? हाँ वो पानी में जाएगा। बेटा यहाँ से ऊंचा है बेटा, वहाँ हेलो। नहीं, वो सूर्य के पीछे चले गए अभी, और सनसेट होने वाला है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, और इस टाइम पे हवा भी चलती है, बड़ा मज़ा आता है भाई। इतना अच्छा मौसम रहता है ना इस टाइम पे। उधर देखो कितना सुंदर मौसम है ना। विकास से बोलूँगी ऊपर से रिकॉर्ड करके लेके आए। तो आज लंच का काम तो मेरा बहुत ईजी था, शाम को जो है वो मुझे हरे धनिए की चटनी बनानी है। चटनी के साथ चटनी, दूध, रोटी, ये सारी चीज़ें, ये सब हम खाएंगे। है मम्मी चटनी बनानी? मम्मी हमारी मम्मी को फोटो ले रही, बस मम्मी ऐसे बैठ जाएंगी बिल्कुल, है बोलना बंद कर देंगी। चलो हाँ आ जाओ, चलो कुछ खा लो। अब ये नहीं खींचते गंदी बात, वो लेगी चॉकलेट लेगी। देख देख कितनी जल्दी गई, कितनी जल्दी गई है। ये देखो कंधे ऐसे ऐसे चला रही हूँ, चला रही। चलो दूध लेने, दूध लेने अभी नहीं,
डोल तो वहीं रखा, उसका ढक्कन भी वहीं है उसी के ऊपर। अच्छा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देखो अभी मेरे अच्छा मैं तो दिखा रही थी मेरे जितना हो गया। आजा आजा देखो अभी मेरे जितना हो गया, निकल गया तो मेरे से है। हाँ देख लो मेरे से लंबा हो गया भैया, ये लंबा हो गया भाई लड़का हमारा। हाँ नहीं निकल रहा मेरे से, थोड़ा सा होगा आधे इंच का तो फर्क होगा, लंबा हो रहा। ये और इनू बराबर हो रहे दोनों बराबर है। वो लाई चॉकलेट नहीं, हाँ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बड़ा सा लगने नहीं। अब कितना 15 का हो जाएगा ना, हमारी शादी को 15 साल हो जाएंगे, 15 का ये हो जाएगा, तो 15 के बाद तो थोड़ा सा तो गदरा ऐसा हो ही जाएगा। हाँ तो अगली बार आवेंगे शौर्य में मोटा हुआ मिलेगा, है नी? सब इंतजार करेंगे अब अगले इंडिया ब्लॉग का कि शौर्य मोटा हुआ मिलेगा। ना मैं डिस्टर्ब ना करो माइंड माइंड। हाँ और ये जो पीछे वाला घर है ना, ये भी मतलब जो दूसरे बाबा हैं, एक तो हमारे बाबा जी हो गए, उनके जो भाई हैं ये उन्हीं का है। तो इधर उनके बड़े लड़के का है और उधर उनके छोटे लड़के का है। तो आस पड़ोस में जितने भी घर हैं सारे ही हमारे कुटुंब वाले ही हैं। ओ भाई यही जिन्हें पर चढ़ते ऐसा लगता है रेलवे स्टेशन पर हुआ करते थे पहले ओवर द ब्रिज वाले, वो हैं ये। और ये भाई तिमंजिला हमारा, इसे ही इधर ना झांकने दो भाई, मुझे डर लगे विकास। हाँ नहीं पकड़ के रखियो, ये गहरे हैं। और यस मैं सनसेट बता रहे थे ना, पता नहीं सूर्य दिखेगा। हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है, माय गॉड लुक बहुत सुंदर है। ये वाला मौसम बेस्ट है, तो सुबह सुबह जब वो 5 बजे उठो ना वो, और ये वाला, और ये उपले अगर आपने देखे जो चूल्हे में जलाए जाते हैं ये वो हैं। ये वाला नीम इस बार सूखा सूखा सा हो गया। और ये सामने वाली जो छत है ये हमारी है, ये वॉशरूम वाली, वॉशरूम और जीने के ऊपर वाली। और वो नीचे सामने बैठक है हमारी, गैलरी। पेंट मांग रहा है घर पर, हो ही नहीं पा रहा, हम कुछ ही दिन के लिए आते हैं, अब उसमें क्या क्या ही करा दें, बाकी और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि भाई कराएं। तो देखो आएगा, इसका भी नंबर आएगा। लड्डू इधर चलो, आप इधर नहीं, उधर चलो डैडी पास। मम्मी मम्मी ऊपर ये थाली रखी है, कैसे हैं कौओं की है? अच्छा ठीक है, मैं सोची मैं कभी कोई ना ये थाली यहाँ रख के भूल गया हो, थाली पर ये पंछियों के लिए है। ये रहा भाई ये डैडी का स्कूल है। हां 5th तक है, 6th तक है, 5th तक, तब तो 5th तक था। अब बड़ा हो गया, पता नहीं तो क्या हो गया इसका। छोटा है कि बड़ा है? और ये हमारा पूरा गांव है। कितने सारे तो ये लग गए ना। हां जी एंटीना टाइप में कितने सारे, ये 4G 5G सब चला रहे तो लगेंगे तो है ही। और हम जो है वो गांव के बिल्कुल एंड में है, इससे इधर जो है सब खेत हैं हमारे, बस ये 1 2 3 4 घर हैं ये, उसके बाद आगे सब खेत हैं। कितने भी हैं आगे देखो, इधर सब खेत हैं। मैं आज तक अपनी उस वाली छत पे नहीं गई, सामने वाली छत पे उधर आज तक नहीं गई, कब से बनी हुई वो। तो कल चले जाइए वहाँ पे, आज तक नहीं गई। कौन आया? इनू और इनू की फ्रेंड खुशी माही। एक ही है, देख कितनी छत है, तू इस पर नहीं दीपिका, तू इस पर नहीं, तू उस छत पर जाइए, जाऊंगी वहाँ पे, हम सीढ़ी लगाएंगे पोर्टेबल है, और तू चढ़ के देखिए उस पर। ये हमारी फ्रंट वाली छत है,
कौन सा? हाँ ये अलग नीम है, ये वाला जो है, ये दोनों अलग अलग वैरायटी के नीम है। इसको तुन बोलते हैं, है नीम की वैरायटी, उसको तुन बोलते हैं। वो नीम है, वो जामुन है और वो आड़ू है। आड़ू पीच, अच्छा। ये वाला जो है ना, ये पीच है। यहाँ नीम बहुत मिलेंगे सबके, नीम और जामुन। नीम और जामुन, उधर भी जामुन है। वो उधर वो तुन है और जामुन है, वो नीम है। और ये जो है हमारी जामुन है, ये मेरी जामुन है। ये मैंने लगाई थी जब मैं भी बहुत छोटा था, तब लगाई थी। ये जामुन बेटा मैंने लगाई थी, ये जामुन का पेड़ मैंने लगाया था। देखे मेरा घूंघट कर रहे हैं। और कर दे हाँ। भाई कह रहे तो ऐसे रहा कर। पिकाबू। इतना सुंदर चांद निकला हुआ है आज। कल ईद है तो ये चांद रात वाला चांद है।